और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। अहम खबर से शुरुआत करते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से इस वक्त यह बड़ी खबर है। नगर निगम की राजस्व वसूली को बड़ा झटका लगा है। यूडी टैक्स के पेटे दिए गए 80 लाख के चेक बाउंस हुए। 98 प्रॉपर्टी मालिकों के निगम को दिए गए चेक बाउंस हुए हैं। अब नगर निगम की ओर से सभी 98 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराने पर संपत्ति कुर्क होगी। गत वर्ष भी यूडी टैक्स के पेटे लाखों रुपए के चेक बाउंस हुए थे। जगतपुरा जोन में यूडी टैक्स के पेटे 16 प्रॉपर्टी के 2,06,000 के चेक बाउंस हुए। झुटवाड़ा जोन में 15 प्रॉपर्टी के 9 लाख रुपए के चेक बाउंस हुए। मालवीय नगर में 20 प्रॉपर्टी के 17,47,000 के चेक बाउंस हुए। तो वही मानसरोवर जोन में 4 प्रॉपर्टी के 5,43,000 रुपए के चेक बाउंस हुए। मुरलीपुरा जोन में 16 प्रॉपर्टी के 10 लाख के चेक बाउंस हुए हैं। सांगनेर जोन में 20 प्रॉपर्टी के 13,85,000 के चेक बाउंस हुए। विद्याधर नगर जोन में 7 प्रॉपर्टी के 3,11,000 के चेक बाउंस हुए। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की राजस्व वसूली को बड़ा झटका लगा है। संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, ये बड़ा झटका है नगर निगम की राजस्व वसूली को, जिस तरह से ये चेक सभी बाउंस हुए, पूरी जानकारी विस्तार से आना चाहेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था। देखिए बिल्कुल श्वेता, हालांकि ग्रेटर निगम की राजस्व शाखा ने इस बार अच्छी वसूली यहां पर की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुल 91 प्रॉपर्टी मालिक ऐसे हैं जिनके जो 80 लाख रुपए के चेक हैं वो यहां पर बाउंस हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला यूडी टैक्स 2023-24 के पेटे का है। 31 मार्च से पहले पहले ये यूडी टैक्स जमा कराना था। ऐसे में जो प्रॉपर्टी मालिक थे उन्होंने चेक के थ्रू अपनी जो राशि है वो नगर निगम में जमा कराई, लेकिन जब नगर निगम ने इन चेकों को बैंक में लगाया तो करीब 80 लाख रुपए के जो चेक हैं वो यहाँ पर बाउंस हुए हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से तमाम जितने भी ये प्रॉपर्टी संचालक है उनको नोटिस जारी करके ये कहा है कि जल्द से जल्द निगम के खाते में जो पुरानी राशि है वो यहाँ पर जमा कराए, अन्यथा उनकी जो संपत्ति है उनको कुर्क करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। तो कोई इसमें टाइमलाइन दी गई है क्या भारत की, कब तक इन्हें जमा करना है, वरना फिर ये कार्रवाई की जाएगी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल श्रोता, इस संबंध में नगर निगम की राजस्व शाखा की ओर से सभी 91 जो प्रॉपर्टी संचालक है उनको नोटिस दिया गया, पहले वार्निंग दी गई है। उनको ये इतला किया गया कि आपके द्वारा जो चेक के थ्रू राशि दी गई थी वो बाउंस हो गई है, ऐसे में 7 दिन के अंदर अंदर तमाम जो राशि थी उसको जमा कराया जाए, और अगर जमा नहीं कराते 7 दिवस के अंदर तो फिर नगर निगम इन तमाम प्रॉपर्टी को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।